गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं और आज मैं सोच रहा हूँ कि कॉलेज चलते हैं। काफी टाइम हो गया कॉलेज नहीं गया मैं, आज कॉलेज चलते हैं। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने नहा लिया, अब मैं रेडी होने वाला हूँ। चाची जी मेरे लिए टिफिन रेडी कर रहे हैं, देखते हैं आज टिफिन में क्या रख रहे हैं। वो देख ही सकते हो देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ये है क्या बोलेंगे इन्हें, भाजी बड़े। मैं चार्जर के पास ही खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि फोन भर भर के चार्ज हो जाए ताकि हम वहाँ पे यूज करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। तो तुम्हारा भाई बिल्कुल रेडी है, अब हमें इंतजार है बस कॉलेज की गाड़ी आने का। यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब रेहटी में हमारे पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा था तो दोनों भैया और मैं हम मिलकर पी रहे हैं चाय। हमारे रिस्पेक्टेड दोस्तों में से एक धीरज भाई और मैं हम एक पीपीटी पर वर्क कर रहे हैं और ये उनकी लैंग्वेज में पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। कंप्लेन नंबर एक रोला है, देखा ना थी पता लगी। भोजपुरी लैंग्वेज में मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर्ची नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट से, सब नाम रहे। मिलिए एक खास बंदे आशीष भाई से। वीडियो गाइस, तो आज का भाई का ब्लॉग बन रहा है स्कूल के अंदर एंड भाई कॉलेज के अंदर जंगल। ओह माय गॉड, ये क्या बोल रहा है। तो सबसे बड़ा यूट्यूबर कॉलेज की यही लग रहे मुझे जहाँ तक के। मैं तो छोटा मोटा गरीब ब्लॉगर हूँ, बहुत कम पैसा है हम पे, बहुत गरीब है हम। तो भाई की रईस लेकिन जा सकती है। ये भी है, ये मीडियम साइज के जो ब्लॉगर होते हैं उनमें आते हैं ये लोग। हाइट भी मीडियम है। हाँ, और ये मैं लोअर वाला हूँ। और ये घटिया ब्लॉगर है, ये माइनस ब्लॉगर है ये। और ये कुछ यहाँ भूखर लोग भी है जो पहले खाना खाने लग गए, बुला भी दे रहे हैं। तो ये आदमी तो अच्छा है यार, सच में भाई खाना खाने के लिए बुला रहा है भाई। अभी देखी थी कि टीवी तुमने कभी, इतनी बड़ी टीवी देख रहे हो मतलब यार मेरे को यार। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद आज प्लान थोड़ा सा चेंज है। आज मैं वापस घर नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हमारे एक फ्रेंड प्रथम के रूम पर, मतलब कि भोपाल। इसलिए आज मुझे बस भी चेंज करनी पड़ी और इस बस को देखो भाई पूरी तरह से फुल है। वो तो मुझे सीट मिल गई ये मानकर चलो, नहीं तो खड़े खड़े ट्रेवल करना पड़ता। आज रूम पर पहुँचते ही माइंड को थोड़ा फ्रेश करने के लिए प्रथम और मैं दोनों एक पार्क पहुँच गए। ये नर्मदा जी की पूरी परिक्रमा कर सकते हैं हम यहाँ से। यहाँ से नर्मदा जी प्रारंभ हुई थी। पानी और होना था यार, वही वाला फील आता है, नहीं है भाई, पूरा बहता है। प्रथम भाई ने चारों धाम की परिक्रमा करवा दी। सरदार सरोवर भाई, बैकग्राउंड में नॉइस लेवल बहुत हाई था इसीलिए मैं साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वैसे अभी हम आए हैं सब्जी मंडी घूमने। रूम पर आए तो प्रथम भाई ने उनकी स्टडी स्टार्ट कर दी और ये मिलिए राहुल भाई से। राहुल भाई अपने आप में एक अलग ही कैरेक्टर है, बट कुछ भी कहो बंदा मस्त है। पढ़ाई का काम जैसे ही खत्म हुआ हम एक मोबाइल शॉप पर पहुंच गए। यहाँ हमें कुछ एसेसरीज देखनी है, ओनली देखनी है, अभी हम खरीद नहीं रहे। सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम वापस चल दिए सब्जी मंडी की ओर। मंडी है ये, प्रथम भाई को गाजर बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी क्योंकि इसका विचार था कि रूम पर गाजर का हलवा बनाया जाए, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए इस प्लान को यहीं ड्रॉप कर दिया गया। रात के लगभग 11 बज रहे हैं और मैं दोस्तों के साथ रूम के बाहर बैठकर शहर की इस तेज दुनिया को देख रहा हूँ। ये भी तीन है और अपन भी तीन है। दूसरे दिन हम पहुंचे अमन भाई के रूम पर। अरे भाई भाई कौन को देखो यार, अब रह नहीं सकते तेरे बिना, क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते तेरे बिना, क्या वजूद। हसदीप कर
हमने यहाँ पर अमन भाई के हाथों से बनी टेस्टी चाय पी, इसके बाद हम जिस काम से यहाँ आए थे उसमें लग गए। इस पंचिंग बैग को हमें इस रूम से दूसरे रूम पर शिफ्ट करना है, वो भी किसी व्हीकल की मदद लिए बिना, मतलब कि हाथों से उठाकर ले जाना पड़ेगा। इसको ऐसे हाथों से लटका कर लेकर जाना थोड़ा अजीब लग रहा है, इसीलिए लोग भी पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। लाश है लाश। रूम पार्टनर को निपटा दिया। इसके वजन का अंदाजा आप लगा सकते हो, रास्ते में 3 बार प्रथम भाई और शुभम भाई ने इसे रखा है। काफी मेहनत की गाइस हमने। बहुत दुख हो रहा है। डर रहा हूं। उठाओ तो। थोड़ा सा और इतने भाई, तू इतनी जल्दी कैसे थक सकता है, इंजीनियर है तू। फाइनली हम पहुंच गए हमारी डेस्टिनेशन पर, मतलब कि हमारे हर्ष भाई के रूम पर। मैंने सोचा तो था कि इसे लटकाने के बाद हम इसके साथ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, बट अंदर जाकर पता चलता है कि भाई के रूम पे भी इतना सफिशियंट स्पेस नहीं है कि इसे हम लटका सकें। फिर क्या था, दिल के अरमान दिल में ही दबे रह गए। सिद्धांत भाई उसका एडिटिंग का काम कर रहा है और हम तीनों चारों लगे हैं आराम फरमाने में। दिन की एंडिंग में हम सोच रहे थोड़ी सी पढ़ाई और हो जाए। प्रथम भाई की पढ़ाई हो गई कम्प्लीट, गेम में लग गया अभी। रूम पर हमारा टाइम पास हो नहीं रहा था तो हम वापस निकल आए मार्केट में। घूमते घूमते भूख लगाई थी तो हमने सोचा थोड़ा कुछ खा लेते हैं। पनीर पेटिस खाने के बाद रूम पर राहुल भाई और बाकी सभी दोस्तों के साथ डिनर किया और फिर हम सोने की तैयारी में लग गए। मैं सोच रहा हूँ कि कल हम वापस घर चलते हैं। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय।